आज है वर्ल्ड पार्किंसन डे, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में ना ज्यादा किसी को पता है और ना ही ये नॉलेज है कि ये होता क्यों है, लेकिन होता है एक ब्रेन डिसऑर्डर। तो आइए जानते हैं इसके कुछ लक्षणों के बारे में। वैसे तो ये बीमारी ज्यादातर बुजुर्ग अवस्था में होती है, और अगर खास लक्षणों की बात करें तो इसमें हाथ पैरों पे संतुलन नहीं होता, यानी कि हाथ पैर में कपकपी हमेशा होती रहती है, नींद नहीं आती है, और जो अंग होते हैं हमारे शरीर के वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं, और जब हम चलते हैं ना तो डगमगा के चलते हैं, मतलब आपको आराम से पता लग जाएगा कि इस इंसान को कोई बीमारी है। और जो पोस्चर होता है वो भी सही नहीं होता, इंसान झुक के चलने लगता है, डगमगाने लगता है। हालांकि ये बीमारी क्यों होती है ये आज तक पता नहीं लग पाया है, अभी तक रिसर्च इस पे चल रही है कि इसके कारण क्या है, ये कैसे ठीक हो सकता है, कौन सी दवाइयां हैं, कौन सी सर्जरी है। और हाँ, ये बताना भी जरूरी है आपको कि अमेरिका में 14वें कारण के रूप में इस बीमारी का मूल्यांकन किया गया है, यानी कि अगर इस बीमारी की वजह से मौत नहीं भी हो रही है तो इसमें जटिलताएं इतनी ज्यादा है, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि आखिरकार मृत्यु हो ही जाती है। हम अपने खान पान में और लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव करके इस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को ये बीमारी हो गई है तो उसको आपको पूरे तरीके से सहारा देना होगा, यानी कि उसमें जीने की जो इच्छा है उसको बार बार जागृत करने की ज़रूरत है, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना खाना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने एंटीऑक्सीडेंट की बात कर ही ली, तो फिश ऑयल, विटामिन B1, C और D से भरपूर खाना खाने से बहुत ज़्यादा इसमें राहत मिल सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि ओमेगा 3 फैटी फिश या ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स इस तरीके के मरीजों को खाने के लिए दिए जा सकते हैं। इस तरह के लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज, लो फैट दूध, दही से थोड़ा दूर रहना चाहिए। मांस का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको चबाने में दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड की बात करें, नमक की बात करें, ज्यादा चीनी की बात करें, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले खानों की बात करें, तो इस तरीके के खाने से भी दूरी बराबर बना के रखनी चाहिए। अगर मरीज का ध्यान रखा जाए तो मरीज बिना जटिलताओं के भी थोड़ा ठीक हो सकता है।